I think kabhi kabhi words are not enough to say the things that you want to, and I mean, mere liye to roz Mother's Day hai, and I'm really, really proud and happy to be your daughter and to see you achieving so much. I wish you so much luck, and I love you, and I'll always be in your corner. अच्छा, पहले पराठा बनाने के लिए आटा गूंदा और उसके साथ हाँ गूंद लिया, अब थोड़ा सा जगह बना लिया, इसके अंदर अजवाइन, नमक और थोड़ा सा घी या बटर, मैं इसको बटर प्रेफर करती हूँ। ओके, क्योंकि बटर से अच्छा सा खुशबू आता है जो पकने के बाद मसाले से। उसके बाद इसको गुम करना पड़ता है, एंड देन आई टर्न इट इनटू अ नाइस बिग रोल। तो ये उस वक्त तो आई एम श्योर प्रियंका डिडंट नो अबाउट इट, उनको नहीं पता था, बट अब पता है कि इसमें ये सब मिला होता है। हाँ, तो अभी भी मजे से खाते हैं, बहुत शौक से खाती है। हाँ, शिलाप से सॉलिड बटर है तो ठीक है। तो ये है वो गुम पराठा जो प्रियंका हर वक्त जिसकी वेट करती थी अपने बोर्डिंग स्कूल में, और आज भी उन्हें बहुत पसंद है। नाउ एवरीबडी नोज कि ये गुम पराठा कैसे बनता है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई ये रेसिपी घर पर। हर कोई अपने अपने घर पर गुम पराठा बनाए, इंस्टाग्राम पे पिक्चर लगाए और प्रियंका चोपड़ा को टैग करें, क्या पता वो उस पर रिप्लाई करें मदर्स डे पर। जरूर करेंगे, फॉर श्योर। फेवरेट थिंग, आई कांट इमेजिन लिविंग माय लाइफ विदाउट माय मॉम। देयर आर नो वर्ड्स, no dictionary, no amount of sentence constructions that can ever define the kind of bond that I share with my mom. Come, little bit of a surprise for you. Kaya, there. Oh my god, that's so amazing. Thank you. Mom, I have worked really hard to marinate all this. मैंने बहुत मेहनत की है। Really? Now you can take over. Actually, क्या है? बहुत सिंपल है। लाल मिर्च, हल्दी एंड कोकम का पाउडर है उसमें। तो अब सिद्धांत ये बनाएगा मेरे लिए। अभी हम लोगों ने देखा है कि हमने बहुत रवा डाला है इसके ऊपर। I feel like I'm in MasterChef. It is this tooth is and the coconut oil mix. Yeah. Now you can fry. So आमतौर पे when Shraddha's out shooting, जैसा specific parcel कुछ जाता हो। Every day. Every day. Both the children. So she likes eating घर का खाना। We all eat this. This is a fish which I'm going to keep aside. इसके साथ चावल मैंने उबाले हैं। चावल एंड आमटी है, हमारी स्पेशल आमटी हम लोग बोलते हैं। आई एम लगाविंग तड़का, इसमें राई और जीरे का तड़का जाता है। देन एज आई सेड कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, देन वी पुट दिस गोड़ा मसाला। फिर ये जो तड़का हम लोग देते हैं ये सीधा आमटी में जाएगा। ये लगा तड़का, हमेशा से जब भी मैं बाहर रहा, जो भी आपने मुझे अच्छी चीज़ें सिखाई, बड़ों का सम्मान करना है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, कैसे ऑनेस्ट रहना है, किसी भी पड़ाव पे मुझे कुछ भी हासिल हुआ, सब आपकी वजह से हुआ। तो जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच, वॉट एवर यू हैव डन फॉर मी, एंड आई विल लव यू फॉर एवर। देखते हैं कड़ी में क्या क्या डाला जाता है। अच्छा, सबसे पहले तेल, आपने बाकी इंडियन टीम के लिए किसी के लिए खाना बनाया है या सिर्फ? नहीं, के आए खाते थे। अच्छा, धोनी खाते गया, चावला भी आया।
तो आंटी जब तक ये कड़ी बन रही है तब तक हम कुछ और बना सकते हैं साथ? हाँ जी, हम खीर बना सकते हैं। वाह, मुझे लग रहा है कड़ी हमें बुला रही है आंटी। कड़ी में मजा आ जाएगा, पकौड़ियाँ हो जाएंगी। खीर में क्या बाकी रह गया आंटी? चीनी। चीनी मालूम है कि आपने कैसे कैसे करके हमारे पढ़ाई लिखाई की, इतना बड़ा परिवार था, इतना कुछ पैसा वैसा था नहीं हम लोगों के पास, लेकिन जिस तरीके से आपने कपड़े सी के हमारी पढ़ाई के लिए फीस देती थी, अपनी ज्वेलरीज बेच के फीस देती थी, तो आपका होना मेरे लिए एक ताकत है, एक ताकत मिलती है आपके होने से मुझे। मेरे यहाँ की तारी मुझे बहुत पसंद है, जब भी वो यहाँ आती हैं या मैं गांव में जाता हूँ तो वो ज़रूर बनाती हैं। और ये येलो चावल वाली होती है, उसमें अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं उसमें, और वही मैं ज़्यादातर उनके हाथ की वो खाता हूँ। पहले डाला तेल, अब ये मैं प्याज डाल दूँ। अभी क्या क्या डाल रहा है? ये खड़ा मसाला है, ये लहसुन और प्याज का पेस्ट, ये मिर्च पाउडर है, ये पुदीना डाला है, कटे हुए अदरक जी, और हरी मिर्च। जब ये थोड़ा गल जाएगा तो चावल का, अब ये इसमें जरा सा बुनाई करके इसकी थोड़ी, तो इसमें फिर चावल डालते हैं। फिर से इसको पकाएंगे कुछ वक्त, इसमें दो सीटी लगेंगी। ठीक है, अब ये हिला के इसको फिर से ढक्कन लगा के, अब बारी है इसे बंद करके 10 मिनट पकाने की।